देन विशाल टारगेट है उसका नहीं पता मुझे, बट वॉट एवर हैपेंड यू नो दिस सिचुएशन कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ बेटर वे, क्योंकि वर्बल अब्यूज तो उस घर में बहुत हुई, मेरे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ, बट आई गॉट जस्टिस इन द हाउस. आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट रियली जस्टिफाइबल. अब्यूज, फिजिकल अब्यूज के बावजूद आप किसी कंटेस्टेंट को घर में रखो, ये सही नहीं है. देखिए वो शो स्क्रिप्टेड नहीं है, तो जो करते कंटेस्टेंट्स करते हैं, तो पीआरपी के लिए कंटेस्टेंट्स ही कर रहे होंगे जो कर रहे हैं, जस्ट टू गेट इन टू लाइमलाइट. इफ यू वांट टू गेट इन लाइमलाइट बाय मीटिंग पीपल अराउंड, सॉरी रॉन्ग वे. आई डोंट नो, आई डोंट वॉच देम, आई डोंट नो देम, सो आई कांट स्पीक अबाउट देम. अगर मैं वहाँ कंटेस्टेंट होती तो आई डेफिनेटली वुड हैव वोटेड फॉर अरमान टू मेक एन एग्जिट, जो नेजी ने किया. तो मेरा ओपिनियन सिमिलर रहता. किसी की वाइफ को कॉम्प्लीमेंट करना या किसी के लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, तो आई वुडन्ट हैव टेकन इट इन अ रॉन्ग वे. एंड नादानी है बच्चा, इफ दे कुड हैव हैंडल्ड इट इन अ मोर सेंसिबल मैनर रादर देन गेटिंग एग्रेसिव फ्रॉम यू. पॉलीगैमी इज नेवर द राइट थिंग. सोशली इट लीव्स अ बैड इम्पैक्ट, सोशली इट लीव्स अ रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर द यूथ. एंड आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ पॉलीगैमी. तो मुझे बताइए, इन्फ्लुएंसर्स आने के बावजूद फिर शो में क्यों नहीं जान आ रही है? शो इज स्टिल हैविंग अ लो ग्रेड. तो आई डोंट फील कि इन्फ्लुएंसर्स की वजह से शो चलता है. यू नीड एक्टर्स, बिकॉज एक्टर्स आर मोर रियल एंड जेन्युइन पीपल, इवन इन रियलिटी शोज एंड इवन इन रियल लाइफ. इन्फ्लुएंसर्स अपनी जिंदगी जो सोशल मीडिया पे फेक दिखा रहे हैं, वो रियलिटी शो में क्या रियल बनेंगे जी? अगर आप इन्फ्लुएंसर्स से शो भर दोगे तो एक्टर्स जो डिग्निफाइड एक्टर्स हैं और जो सही लोगों के बीच रहना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहेंगे वैसे शो. तो आई बिलीव कटारिया के ऊपर एलविश का बैकअप है, तो वो आगे जाएगा और विशाल भी आगे जा सकता है और नेजी आगे जा सकता है.